हाईवे से गुजरते हुए एक सवाल मेरे मस्तिष्क में आया, ऐसा सवाल जिसने मुझे झिंझोर के रख दिया। एक मानव होने के नाते ये सवाल मेरे आत्मा तक जा बसा। ये सवाल था, आखिर इन सड़कों पर, इन हाईवे पर जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो गायें होती हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाने पर उनका ट्रीटमेंट कौन करता है, उन्हें उपचार कौन देता है। कहा जाता है कि अगर इच्छा प्रबल हो और इच्छाएं प्रबल होने के बाद आपके अंदर जो सवाल निकल के आता है, उस सवाल का इच्छा से संबंध बहुत गहरा है। प्रबल इच्छा होने से प्रकृति आपका साथ देना शुरू कर देती है, आपकी इच्छा की पूर्ति वो प्रकृति ही करवाना शुरू कर देती है। तो इसी प्रकृति ने हमें ऐसी जगह ला पहुँचाया जहाँ पर इन गायें का ट्रीटमेंट किया जाता है। यही हाईवे से गुजरते हुए एक आश्रम दिखाई दिया, ये वृद्ध आश्रम है, चिकित्सा आश्रम है, जहाँ पर गाय और इनके साथ जितनी भी प्रजातियाँ हैं, सांड हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। आइए आपको इस आश्रम के अंदर ले चलते हैं और देखते हैं किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है गाय का किया जाता है। पशु चिकित्सालय के अंदर आते ही आपने देखा कि किस तरह से कुछ युवा मिलकर और यहाँ पर डॉक्टर किस तरह से जो पशु हैं उनका इलाज कर रहे थे और उनका पट्टी वगैरह बांधी जा रही थी। आइए यहाँ के जो मैत्री हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? आकम सिंह जी। सर, किस तरह के यहाँ पे पशु कितने रेगुलर के हिसाब से कितने आ जाते हैं और किस तरह के घाव हैं जो इनमें पाए जाते हैं? सर, लगभग 4-5 पशु डेली आते हैं हमारे पास, तो इनमें अलग अलग तरह के घाव होते हैं। कोई एक्सीडेंट होके ही आते हैं तकरीबन। कुछ लोग घरों से इनको, जो ये बेसहारा जानवर हैं, अपने घरों से भगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग पत्थर मारते हैं या नुकीली चीज़ें। अभी हमारे पास ये सांड एक आया था बेचारा बादशाह, जो हमने इसको नाम दिया है अपनी गौ चिकित्सालय के अंदर, तो इसकी आँख पे किसी ने नुकीली चीज़ मारी हुई थी, तो उस पर काफ़ी जख्म था। अभी हमने इसका, और एक रस्सी इसके सींगों के पास बंधी हुई थी, उसने आसपास बिल्कुल जख्म कर दिया था। तो जख्म देखा गया कि काफ़ी गहराई तक चोट पहुंचा चुका था। हाँ जी। तो इस टाइप के आते हैं। कोई एक्सीडेंट में हमारे पास किसी रोड पे चलती को टक्कर मार दिया गाड़ी वाले ने, उसकी टांग टूट जाती है, उसके अलग अलग जगहों पर फ्रैक्चर आते हैं, तो इस टाइप के हमारे पास। आगे बढ़ते हुए और देखते हैं, साथ ही साथ मैत्री जी से भी बात करते रहेंगे कि किस तरह के ऐसे और भी केस यहाँ पे, और बहुत सी गायें बंधी हुई हैं, इनके बारे में जानना चाहूँगा। ये देखो हमारे पास ये आई थी अभी थोड़े दिन पहले ही। ये जो घाव है ये दिखाया जाए कि किस तरह से यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा था। ये देखो जी, ये अभी हमारे पास आई थी गाय, इसके भी काफ़ी यहाँ पे नुकीली चीज़ें लगी हुई थी, जैसे किसी ब्लेड वाली जो खेतों के इर्द गिर्द घूमी होती है तार, उसमें फंसी हुई थी ये, तो उसने इसको काटा हुआ था। तो हमारे पास आप यहाँ पे फ्री सेवा दे रहे हैं, क्योंकि एज ए मैत्री तो किसी तरह का डेजिग्नेशन भी कहा जा सकता है। अपने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्या करते हैं आप? सर, मैं 2009 में पशुपालन विभाग हरियाणा सरकार में एक स्कीम आई थी जो नस्ल सुधार की स्कीम थी, जेके ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके माध्यम से मैंने सेवाएं देनी शुरू की थी। उसके बाद 5 साल तक उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मैंने हरियाणा सरकार में पशु चिकित्सालयों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान, प्राथमिक उपचार की सेवाएँ दी। उसके बाद एक स्कीम आई हरियाणा सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, मैत्री, जिसकी फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेटर रूरल इंडिया, जिसमें लगभग हरियाणा में 265 युवा काम कर रहे हैं।
तो उसके अंतर्गत मैं पशु चिकित्सालय गांव खंगेसरा जी डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में कार्यरत हूँ। तो यहाँ पर मैं भगवान की दया से एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करता हूँ जो मेरे दिल को लगती है कि कितना समय हो गया होगा? लगभग हमारे को यहाँ पर 6 महीने के करीब हो गया सेवाएं देते हुए। 6 महीने में कितनी गायें हैं ऐसे जिनका आप ट्रीटमेंट कर गए होंगे? सर हमने कोई गिनती नहीं, अनगिनत है। हमने किस तरह की गायें यहाँ पर आ जाती हैं? सर यहाँ पर काफ़ी गहरे गहरे जख्मों वाली आती हैं, कुछ ऐसी भी आती हैं जिनके पीछा निकला होता है वो तुरंत ब्याही होती है, किसी प्रॉब्लम की वजह से उसका प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो जाता है, तो ऐसे भी आते हैं। कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास ये आप जो देख रहे हो 3-4 बच्चे हैं जिनमें से एक गाय की बच्ची है, बाकी तीनों की माएँ मर चुकी हैं। तो ये पूरा का पूरा हमने देखा कि कई दूर दूर तक ये फैला हुआ है, ये पूरा एरिया गायें बंधी हुई हैं, तो इसको संचालन वगैरह कैसे किया, मेंबर्स कौन कौन है इसके? सर ये हमारा श्री चंद्रशेखर आजाद ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हमारे नौजवान साथियों ने एक पहल की है, तो वो इस सारे सिस्टम को संचालन करते हैं मिलजुल के। तो कोई यहाँ पर अध्यक्ष हेड मिल सकता है चंद्रशेखर आजाद ट्रस्ट की ओर से जिनसे हम बात कर सकें, क्योंकि इतना बड़ा ट्रस्ट चलाना, देख रहे हैं समाज सेवा है, आज के टाइम में युवा नशे की ओर जाता दिखाई दे रहा है, या जो कोरोना काल चल रहा है कोरोना की वजह से अपने घर में दुबक के बैठा है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपनी जिस तरह से एक्सीडेंट होने के बाद जो मवेशी सड़कों पर आ जाते हैं उनको ये युवा मिलकर यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ कुछ युवा बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चहल है जी। ये जो ट्रस्ट चलाया जा रहा है इसके बारे में बताइए। ये ट्रस्ट पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं जी। तो पहले जो हम काम करते थे अभी भी कर रहे हैं ब्लड के ऊपर, जो इमरजेंसी जो ब्लड प्रोवाइड किया जाता है ट्राई सिटी में, तो हमारी और डिस्ट्रिक्ट में भी ग्रुप है जैसे नारनौल में, महेंद्रगढ़ में, हिसार में, भिवानी में, रोहतक। तो उसके बाद हमें जैसे सर्दियों में कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे, फिर जैसे आवारा कोई पशु है तो उसके चोट लग जाती थी तो हम रोड के ऊपर जाके ही ठीक करते थे। तो फिर हम लोगों ने मिलके जो है एक प्रयास स्टार्ट किया है, तो पिछले 1 साल से हम यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे लेके आते हैं जो एक्सीडेंट हो जाते हैं पशु और उनका इलाज करते हैं, जिसमें कि हमारे जो डॉक्टर हाकिम जी हमारी भी बहुत हेल्प करते हैं, और अब धीरे धीरे जो है स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, आकिब जी ने तो अभी बहुत सी गायों के बारे में बताया कि किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। हम थोड़ा चलते चलते यहाँ का राउंड भी लेंगे और दर्शकों को भी दिखाते रहेंगे कि किस तरह की गायें यहाँ पे पाई जाती हैं और कैसा यहाँ आने के बाद गायें एक्चुअल में जो फील करती हैं। अभी देखा गया कि एक सांड था, उसका नाम आपने क्या रखा हुआ है? उसका नाम हमने बादशाह रखा है जी, यानी साइज के हिसाब से नाम में भी दम दिखाई दे रहा है उसमें। तो बादशाह को क्या हुआ था उसके साथ ही, और वो कब आया था? वो आज से 10 दिन पहले आया था, तो उसके किसी ने नोकीली चीज जो है आंख में मारी थी जी। तो जिससे कि हमें लग रहा था कि इसकी आंख नहीं बच पाएगी, ऑपरेशन होगा। सर्जन है हमारे जो राजेंद्र जी हैं, VS हैं, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, पर जो है डॉक्टर हाकिम जी ने सफाई वगैरह की, देखा तो उनकी आंख जो है ठीक है, वो धीरे धीरे जो है उन्होंने पट्टी की, तो जख्म उसका रिकवरी की ओर है, मतलब 1-2 पट्टी के बाद जो है पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। तो अभी बच्चे भी देखे हमने, एक गाय है वो पीछे देख पा रहे हैं कि एक गाय है और 2-3 बच्चे हैं, अभी एक नहीं पी पा रहा था तो उसको बॉटल से भी दूध पिलाया गया, तो वो एक माँ कैसे, उसके 4 बच्चे? वो एक गाय है वो मनीमादरा से लेके आए थे, वो मनीमादरा रोड के ऊपर जो है उसने बच्चे को जन्म दिया था, तो वो लेके आने के बाद हमारे पास जो है सेक्टर 26 सेक्टर 25 जो नगर निगम की तरफ से जो गायें आई थी, तो वो गायें जो है जब रोड के ऊपर जब ब्याती है तो क्या होता है कि जो गली के जो कुत्ते होते हैं वो पीछे से खा लेते हैं उसको, तो उनकी जो है डेथ हो गई थी, तो बच्चे जो है बचा लिए गए थे, तो वो बच्चों को जो है दूध जो है ये गायें पिला देती है, तो इसको गाय को भी बचा लीजिए। इसके जो पेट में पॉलीथीन जमा हो गए थे जिस के डॉक्टर साहब ने दवाई बनाई, आयुर्वेदिक दवाई बनाई, जिससे कि पॉलीथीन जो है उसके निकाल दिए गए हैं। आपने आयुर्वेद की बात की, इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी आयुर्वेद सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक और सवाल मेरे तरफ से, अंदर ही आत्मा में ना जब इतनी चीज़ें देख लो तो निकलने शुरू हो जाते हैं, तो MC की ओर से गाय आई आपने बताया, तो
वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाते यहाँ पे एमसी की गाय बेचने का मतलब? जो नगर निगम की जो गायें होती है एक्सीडेंट होती है जैसे रोड के ऊपर है, तो ये एरिया जो है नगर निगम के अंडर ही आता है। तो अब क्या है कि कई बार क्या होता कि जो और गौशालाएँ हैं वहाँ पे चिकित्सा मेरे ख्याल से है या नहीं है, मुझे उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पर जो नगर निगम का हमारे पास कॉल आता है किसी भी मतलब एरिया में हमारे नंबर दिए हुए हैं तो वो लोग हमें फ़ोन करते हैं, तो नगर निगम वाले हमारी हेल्प करते हैं, हम नगर निगम को फ़ोन करते हैं, उनकी गाड़ी आती है और वो जो है यहाँ पे गाय को छोड़ के जाते हैं। नगर निगम के साथ और भी कहाँ कहाँ से यहाँ पर गाय आप लेके आते हैं? और जो हमारा ट्रस्ट है हमारे यहाँ पे गांव में हर जगह हम लड़के हैं हमारे ग्रुप के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेवादार हैं हमारे जितने भी गाँव हैं, तो उनको कोई भी गायें दिखती है तो वो गायें फ़ोन वहाँ से आता है या उनके पास कॉल आ जाता है, हर जगह नंबर डाले हुए हैं, तो वो जो उनके पास कॉल आता है तो हम अपनी जो गाड़ी है वो भेज के वहाँ से गाय उठवा लेते हैं। पंचकूला में भी अभी गौशाला खोली गई है, उसका कहीं ना कहीं असर फीका नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तो क्या है कि गायें बहुत ज़्यादा है अपने एरिया में, पंचकूला में है जो ज़्यादा एरिया है वो भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी काम नहीं कर रहे, पर हम जो है स्पेशली क्या कर रहे हैं कि हम जो चिकित्सालय है ये कि भाई इलाज कर रहे हैं, हम जो गाय ठीक हो जाती है तो हम अब आगे जो है कोशिश करेंगे कि ज़्यादा गायें होगी हमारे पास, जो गाय ठीक हो जाती है हम वहीं गौशाला में ही उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। सब बात कर ली हमने, कैसे ट्रीटमेंट होता है सब कुछ बात कर लिया, तो ट्रस्ट के ऊपर बात की जाए तो ट्रस्ट कब से चलाया जा रहा है, कितना कितने युवा इनमें हैं, क्या क्या नाम उनके हैं? ट्रस्ट पिछले 10 साल से चल रहा है, तो दो लोग हमारे ट्रस्ट में जो ऐसे हैं कि जो ब्लड डोनेट करने गए थे, जो एक्सीडेंट हो गई था उनका, तो उनकी डेथ हो गई थी, जैसे कि अमित खंडेलवाल जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इकलौते हैं जो जिनको रक्तवीर की उपाधि दी गई है, तो हमारे जो ट्रस्ट में मेंबर तकरीबन 2000 मेंबर है पूरे ऑल ओवर हरियाणा में, तो जो मेन कमेटी है हमारी उसके अंदर अपने जैसे सौरव चौधरी है, सुखबीर जी हैं, सतीश दलाल हैं, राजेश दलाल हैं, और अपने संदीप हैं, पवन सरोहा है, तो मतलब काफ़ी नाम है, लिस्ट थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इतने ही डोनर, ये सब के सब जो है रेगुलर डोनर भी हैं, ठीक है। पवन है जैसे ए पॉजिटिव डोनर है, ये हमारे रेगुलर डोनर है, तो मैं खुद भी ए पॉजिटिव डोनर हूँ, ए पॉजिटिव डोनर ज़्यादा है हमारे ग्रुप में, तो ब्लड पे भी अच्छा काम कर रहे हैं अभी, जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा है तो प्लाज्मा की ज़रूरत ज़्यादा है, हॉस्पिटल में ब्लड कम हो गया, वैक्सीनेशन होने के बाद आप ब्लड नहीं दे सकते, तो 3 जुलाई को हमारा प्रोग्राम होता है ब्लड का, तो इस 3 जुलाई को देखते हैं प्रोग्राम। कहाँ पर रखा जाता है? हमारा ज़्यादातर क्या अपना पंचकुला अग्रवाल भवन में ही होता है, अब की बार जाट भवन में था। अब तक बहुत सी बातें हो चुकी हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं कि इतना बड़ा सर्कल चलाने के लिए यहाँ पे सेवा की जा रही है, गाय की सेवा की जा रही है जो सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, ये युवा जो मेरे पीछे खड़े हैं देख सकते हैं कि कच्ची उम्र में भी गाय की सेवा का मतलब बखूबी समझते हैं, अभी आपने तस्वीरों में भी देखा किस तरह से ट्रीटमेंट के समय भी ये उपलब्ध थे, तो इतना बड़ा सर्कल चलाने में पैसा कहाँ से आता है? पैसे कैसा है कि हमारा जो ग्रुप है जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, मेन रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे गौ चिकित्सालय में हमारे पास होती है मेडिसिन की जी, चारे की जी, और अपना जो है बाकी तो सेवादार हैं सभी के सभी लोग जो है सेवा करते हैं, जैसे डॉक्टर की सैलरी देनी होती है तो डॉक्टर जो हमारे डॉक्टर हाकिम जी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं, तो हमारा सबसे पहले तो यही खर्चा हमारा कम हो गया है। दूसरी चीज़ जो है मेडिकल है, मेडिकल हम लोग क्या करते हैं, कोई लोग जो डोनेशन देने आते हैं तो उनको मेडिकल स्टोर है जहाँ से हमारी दवाई आती है जी, तो हम उनको बोलते हैं कि आप वहाँ पर जाके अपना जो है डोनेशन दे आओ, वहाँ पर जो भी हमारा बिल है उसमें जितना भी आप देना चाहते हो वहाँ पर दे आओ, जो ना नहीं दे पाते वो ट्रस्ट जो है अपनी तरफ से दे देता है। तो अभी देखा गया कि यहाँ पे बहुत से युवा हैं, अभी आपने मेंबर्स में से पवन जी का भी नाम लिया, पवन जी तो हाजिर हो गए यहाँ पे, पवन जी के पास ले चलते हैं। पवन जी बहुत बहुत थैंक्स मेरी तरफ से, जनता की तरफ से और इन गाय की तरफ से, आप सभी को थैंक्स कि आप इतनी मेहनत करते हैं, जो सड़कों पर टक्कर मार के जो गायों को छोड़ के चले जाते हैं ये नहीं सोचते कि क्या होगा इनका, सिर्फ अपना और अपनी गाड़ी का सोचने के बाद घर की ओर निकल लेते हैं, तो उन गाय को आप यहाँ लाके उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको खाना देते हैं, तो यहाँ पे सबके नाम तो रखे होंगे सबके नाम एक बार बता दीजिए। नाम रखे हुए सर,
जैसे ये हमारा सांड है जो आपने देखा अभी, ये बादशाह है जी। एक बच्चा है वो पीछे, जिसकी मदर की डेथ हो गई थी, तो ये गजोदर है हमारा, गज्जू भी है गजोदर जी। एक पायल है अंदर गाय का बच्चा, एक काजल है, ऐसे नाम रखे हमने, गौरी है ये व्हाइट वाली गाय, मेरे पीछे भी एक है ये, इसका नाम, इसका नाम डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब ने रखा है पहली गाय। डॉक्टर साहब क्या नाम रखा है इसका? नाम सुंदरा रखा हमने जी। सुंदरा? हाँ जी जी। और भी आगे तक फैली हुई है उस साइड वो? वो सर उधर, इधर एक नानकी है जी, सामने जी, ठीक है, उधर उषा है जी, ठीक है, एक आगे उससे तीसरे नंबर पे है वो, उसका नाम पायल है जी जी। तो इस तरह से अलग अलग हमारे साथी अपनी अपनी मर्जी से ना जी नाम रख देते हैं प्यार से। यहाँ पे मौजूद सभी गायों का जो नामकरण है वो यहाँ के मेंबर्स, यहाँ के जो सेवादार हैं उनकी ओर से रखा गया है। अभी सबने बताया कि क्या क्या नाम है, नाम भी बड़े यूनिक से रखे गए हैं, जिसे कहते हैं हरियाणा में क्या शब्द कहा जा सकता है यूनिक को, कांडी, एंडी, एंडी शब्द कहा जा सकता है। अभी यहाँ पे कुर्ता पजामा पहने एक नेता टाइप के व्यक्ति खड़े हैं, सर क्या नाम है आपका? वैभव सोनी है जी। वैभव जी, अभी कुछ देर पहले कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा था कि वैभव जी आए हैं, अमृतसर से आए हैं, तो इशारे करते करते शायद आप तक मैं सही पहुँच ही गया हूँ, तो क्या सोचा था यहाँ आने से पहले? देखिए एक्चुअली क्या है कि ये एक बहुत ही मतलब किस्मत वाले लोगों की है मेरा ख्याल है जो यहाँ पे आके सेवा कर सकते हैं, और भगवान ने अगर सुनील भाई है अपना छोटा, और इतना मतलब कि मैं इसको दिल से सल्यूट करूँगा इस चीज़ के लिए कि मैं इस काम के लिए जो है अपना आप दे रहा हूँ यहाँ पर, बेशक थोड़ा टाइम दे पा रहा हूँ, इन्होंने बाकी जितनी टीम है ये टीम वर्क है पूरा, और इतनी मतलब खूबसूरती के साथ, इतना मतलब इन्होंने डेडिकेटली हर, जैसे डॉक्टर साहब की मतलब हर इंसान की एक यहाँ पर ना एक मतलब उसका एक पॉइंट आउट है, हर बंदा यहाँ पर अपने एक मेहनत कर रहा है, बेशक वो कोई अपने मन की तसल्ली के लिए कर रहा है, कुछ अपने कर्मों के लिए कर रहा है, मतलब कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि मतलब कि इंसान जो है ना अपने मन की शांति, देखिए आज के कोरोना टाइम के अंदर जैसे हम देख रहे हैं कि एक अगले पल का नहीं पता, 10 दिनों में 15 दिनों में क्या किसी का कोई अच्छा रिजल्ट है, कोई बुरा रिजल्ट है, क्या है वो, पर अगर मन की तसल्ली है तो वो उससे ऊपर और कुछ नहीं है जी। तो ये गौशाला में जैसे मैं आता हूँ और मैं कंटिन्यूसली कई दिनों से आ रहा हूँ यहाँ पर, और बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ा ही अच्छा लगता है, जितनी भी मैं सेवा कर सकता हूँ, जितना भी, देखिए मैं तो ये गौ माता के इनके हम चरणों की एक धूल ही लगा लीजिए, हम तो कुछ भी नहीं है ठीक है, पर ये है कि बड़ा ही सुकून मिलता है आगे। तो बाकी क्रेडिट जो है ये भाई को मेरे जाता है जी, ये सुनील को जाता है, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा बहुत ही नेक काम किया है, सारी टीम को जाता है, पवन जी को जाता है, ये सभी बच्चों को जाता है, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के। जिस तरह से सर ने बताया कि किस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, ये युवा मिलकर मेहनत कर रहे हैं, लोग मन की शांति के लिए धामों में जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, बड़े बड़े दूर तक चले जाते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ, जहाँ पर उनको मोक्ष मिल सके, लेकिन आपके घर के बगल में ही अगर आप निगाहें उठाकर देखें तो आपके घर की कुछ दूरी पर ये जगह है जहां पर आप आकर मोक्ष पा सकते हैं, जैसा कि सर का कहना है। दोबारा से सुनील जी के पास चलते हैं क्योंकि शाम होती जा रही है। एक आखिरी आपसे सुझाव चाहूँगा ऐसी जनता के लिए जो टक्कर मार के चली जाती है, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इन गायों की तरफ से, क्योंकि इनके पास शब्द नहीं होते, इनकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा, अगर गलती से कोई जानबूझ के तो एक्सीडेंट करता नहीं है, अगर गलती से किसी से एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे नंबर है उस स्क्रीन पे, हम डाल भी देंगे जी। तो आप वहाँ रुकिए वहाँ पे और उसको या तो उसका ट्रीटमेंट करवाइए या फिर हमें जो है फ़ोन कीजिए, हम वहाँ पे जो गाय को लेने आएंगे जी। कई ऐसे भी लोग होते हैं कि पत्थर मार दिया, नुकीली चीज़ मार दी, तो उसके बाद कुछ उनके लिए कुछ गहराई, जो ऐसा शब्द जो उनके दिल तक छू जाए या ऐसी हरकत दोबारा ना करें, उसके लिए ये है कि जैसे अभी बादशाह आया हमारे पास तो उसके आँख में कोई नुकीली चीज़ किसी ने मारी है, तो आप जो उसकी हालत आप एक बार दिखाएंगे वीडियो में लोगों को, जो लोग ऐसा कुछ करते हैं वो क्या करते हैं, गलती से डर में या गलती से जो भी है अनुकूली चीज़ या कोई पत्थर मारते हैं तो वो कोई ऐसी नाजुक जगह लग जाता है कि जिसका इलाज करना असंभव हो जाता है। तो अभी डॉक्टर जी की हेल्प से जो है आँख तो बचा ली गई है, पर उसको जो है बहुत दर्द होता है, अभी आप दिखा सकते हैं वहाँ पे, जैसे वो आपने देखा ही है और वीडियो में भी आप लोगों को दिखा सकते हैं कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से
उनको कितना दर्द सहन करना पड़ता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए बिल्कुल। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो है इस अपना नंबर हमारे आप स्क्रीन पे डाल देंगे, एक बार दोहरा दीजिए नंबर क्या है, 9306172929। जी, और ये एरिया कौन सा है, इस एरिया के बारे में बता। ये एरिया पंचकुला में पड़ता है, रामगढ़ से बरवाला रोड के ऊपर नगल गांव है, पेट्रोल पंप के साथ में। जी, चलिए अभी चिकित्सक जो थे जो अहम रोल अदा कर रहे हैं युवाओं के साथ, वैसे तो युवा सभी अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन चिकित्सक साहब के पास चलते हैं। सर, एक सरकार से क्या चाहेंगे आप? सर, सरकार से हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, यहाँ पर जो हड्डी जो हमारे पास जानवर हड्डी जिनकी टूट जाती है उनको ठीक करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि हमारे ज़िले में एक ऐसा हॉस्पिटल खोला जाए जिस 24 आवर्स हमारे को साथ में उससे अटैच करके हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देने के लिए तैयार हैं वहाँ पर अपनी सेवा, के उसमें हड्डी का जोड़ने का इन बड़े जानवरों का प्रावधान हो जी। यहाँ पर बड़ा एक और उसमें इंडोर पशुओं को रखने की सुविधा हो जी। जो 24 आवर्स, क्योंकि ह्यूमन में आपने देखा है कि हमारे सभी हरियाणा में 24 आवर्स की सुविधा होती है, परंतु पशुओं में ऐसी कहीं भी सुविधा नहीं है कि जो 24 आवर्स सरकार की तरफ से हो। तो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारे ज़िले में हमारी गौशाला में भी कर सकते हैं तो ऐसा एक हॉस्पिटल वो करें और हमें सहयोग दें सरकार, धन्यवाद। जैसा कि युवाओं की ओर से निष्काम सेवा की जा रही है, सेवा करते करते जितना हो सकता है इनकी ओर से किया जा रहा है, सेवा भाव ही है जो इतनी गायों को यहाँ एक जगह इकट्ठा कर चुके हैं ये लोग, और कई तो ऐसी भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा जख्मी थी, आज वो आराम से खा पी रही हैं, खुश हैं, यहाँ पर रह रही हैं। तो और बच्चों को भी आपने देखा कि किस तरह से बच्चे भी यहाँ पे आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर भी एक मैसेज जो है इनकी ओर से दिया गया कि थोड़ा ध्यान दिया जाए। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कॉस्ट कुछ ज़्यादा होता है, जो उपलब्ध करवा पानी सिर्फ सरकार के हाथ में होती है, उन्हें इनके लिए उपलब्ध कराई जाए ताकि ये और अधिक से अधिक गायें, ज़रूरतमंद गायों का उपचार कर सकें। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ राहुल तिवारी, पंचकुला।